हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। और दिस इज उमर अहद और हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। और अभी तक बेटा हमने जो पोर्शन फिनिश किया हुआ है उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब वो कौन से अलग अलग मेथड्स है जो एक एंजियोस्पर्मी प्लांट को बेटा मदद करेंगे क्रॉस पॉलिनेट करने में और उसको रोकेंगे बेटा किससे, सेल्फ पॉलिनेशन से रोकेंगे। तो हमने उनको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का नाम दिया था और जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होता है बेटा उसको फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लिखा हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट पोर्शन था एग्जाम के लिए जहां से कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम के पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर हमने बेटा यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लेंसी के बारे में पढ़ा था। डाइक्लेंसी के अंदर हमने बेटा मोनोशियस एंड डायोशियस की बात करी थी। डायोशियस को मैंने बोला था बेटा एनसीईआरटी में डाइओसी भी लिखा है तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर थिंग। फिर हमने डाइकोगैमी के बारे में बात करी थी और डाइकोगैमी में मैंने आपको बेटा बोला था दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, प्रोटो एंड्रस एंड प्रोटोगाइनस, या जिसको हम प्रोट एंड्री या प्रोटगाइनी का नाम भी देते हैं। फिर हमने देखा था बेटा कि प्री पोटेंसी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। प्री पोटेंसी को अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखें तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। और फिर हमने सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में बेटा थ्योरी पढ़ा था एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस जो मेंगलस डुआफ ने दिया था, जहां पे हमने देखा था कि अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन बेटा अपने ही स्टेगमा को पोलिनेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स। तो उसको हमने बेटा सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का नाम दिया था जो जरूरी था। और उसके ऊपर बेटा आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो टफ नहीं होगा, बस इतना याद रखना आपको बेटा कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में सिमिलर जीन आपस में मिल जाए, सिमिलर अलील आपस में मिल जाए तो वो कभी भी पॉलिनेशन होने नहीं देंगे, डिफरेंट अलील मिल जाए तो बेटा वहां पे पॉलिनेशन हो सकता है। फिर हमने हेटरोस्टाइली के नाम बारे में बात करी थी बेटा। हेटरोस्टाइली के बाद बेटा हर्कोगैमी के बारे में भी हमने देखा था जहां पे मैकेनिकल डिवाइसेस प्रिवेंट करती थी बेटा, ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और प्लस अब आप और एक चीज याद रखेंगे कि एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन की क्या होती है बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन की पहली एडवांटेज होती है ये वेरिएशन लाता है। वेरिएशन लाएगा तो रेट ऑफ एवोल्यूशन बेटा इन प्लांट्स के अंदर जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है वो ज्यादा होगा, इनमें अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा बिकॉज इनमें वेरिएशन आ रही है तो पावर ऑफ अडेप्टेशन भी इनमें ज्यादा होता है बेटा। इनका सीड मोर वायबल होता है बेटा, मतलब ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर सकते तो मोर वायबल होता है। और इनमें रेट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या है क्रॉस पॉलिनेशन की बेटा, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नेक्टर, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस बनाना पड़ता है जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है बेटा। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और एक चांस इवेंट है बेटा, यहाँ पे पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड प्लस बेटा ये प्योरिटी ऑफ जीन को क्या करता है, डाइल्यूट करता है बेटा। क्लियर है ना। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया है। आज जो हमारी क्लास है, अच्छा लास्ट क्लास में और एक चीज मैंने बोला था आपको, पोलन पिस्टन इंट्रेक्शन के बारे में हमने देखा था। पोलन पिस्टन इंट्रेक्शन में बेटा हमने कीमोटैक्सी के बारे में देखा था, हमने देखा था कि कैसे ऑर्बोरेटर कैसे सिनर्जिड्स बेटा पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब को अपनी तरफ बुला देती है। तो वो हमने ऑलरेडी, जहाँ पे हमने कैल्शियम बोरॉन एंड मैलिक एसिड की बात करी तो वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया वो पोर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हम शुरू करेंगे कि जो पोलन ट्यूब नीचे आ रहा है थ्रू द फिनोमेना ऑफ कीमोटैक्सिस वो पोलन ट्यूब कैसे सबसे पहले माइक्रोपाइल के पास पहुंचेगा और प्लस उसके बाद वो माइक्रोपाइल से कैसे अंदर जाएगा इनटू द एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में फिर फाइनली वो बेटा कैसे फर्टिलाइज करेगा एम्ब्रियो सैक को। तो आज हम उस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जहां पे हम बेटा पढ़ेंगे आज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, ये कैसे होता है, किस किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, दिस विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट दिखने में कैसा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट दिखने में कैसा होता है, ताकि हमको आइडिया लगे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा कौन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसके साथ फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है ना। तो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, ये हैंड रिटन डायग्राम मैंने बनाया है बिकॉज ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है बेटा बाकी डायग्राम से। तो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो बेटा हमने एक पोलन ग्रेन बनाया था। क्लियर है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा पोलन ग्रेन जैसे ही अपने स्टेगमा के ऊपर बैठेगा तो स्टेगमा उसको वाटर प्रोवाइड करेगा और जैसे ही वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेगा तो ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा दिस इज एक्साइन बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्साइन है बेटा,
ठीक है ना, ये एक्साइन है, और ये जो ब्लैक लाइनिंग आपको अंदर से दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या, ये एंटाइन है बेटा। तो अंदर वाला ब्लैक लाइनिंग जो है ये क्या, दिस इज एंटाइन, क्लियर है ना। ये जो आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही है ये भी आपको पता है बेटा, दे आर जर्म पोर्स बेटा। ये ओपनिंग्स होती है पोलन ग्रेन में, जिनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। अब जैसे ही इन जर्म पोर से वाटर अंदर चला जाएगा, ये पोलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस पोलन ग्रेन के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन में इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा, मतलब वो प्रेशर जो वाटर की वजह से जनरेट होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, वो जनरेट होगा। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, एंटाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और एंटाइन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जर्म पोर से बाहर आएगा। तो ये एंटाइन जर्म पोर से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन है बेटा, जो जर्म पोर से बाहर आ रहा है, दिस एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब कुछ अलग चीज नहीं है बेटा, पोलन ट्यूब क्या है बेटा, पोलन ट्यूब एक्सटेंशन है बेटा। किसका एक्सटेंशन है, शाबाश, एंटाइन का एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन कैसे डेवलप हुआ, ये एक्सटेंशन बेटा इस वजह से डेवलप हुआ, बिकॉज हुआ क्या, बाहर से वाटर अंदर आया, वाटर अंदर आया तो एंटाइन के ऊपर साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ बेटा, जो एंटाइन था वो एक्सटेंड कर गया एक जर्म पोर से बाहर। तो उस एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन को, जो जर्म पोर से बाहर आ रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, उसको हम पोलन ट्यूब नाम देते हैं, क्लियर है ना। ये पोलन ट्यूब बन कहाँ पे रहा है, ये स्टेगमा के ऊपर बन रहा है बेटा, फीमेल पार्ट स्टेगमा के ऊपर बन रहा है, क्लियर है ना। जब पोलन ट्यूब बनता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा, जब मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाया था, मैंने बोला था मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन टू सेल स्टेज में होता है, ठीक है, एंड रिमेनिंग के अंदर बेटा थ्री सेल स्टेज में होता है। यानी टू सेल स्टेज एंड थ्री सेल स्टेज का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है ना, एक नॉर्मल पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स पाई जाती है बेटा। जो सेल पीछे होगी बेटा, मतलब बैक साइड में होगी, उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, तो ये जनरेटिव सेल हो गया। और जो सेल आगे टिप पे होती है बेटा, उसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में जब पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन के टाइम पे बेटा ये दो सेल्स उसमें पाई जाती है, ठीक है। इमेजिन कर लो, एक इंसेक्ट पोलन ग्रेन को मतलब अपने साथ उठा के ले जा रहा है, एक बर्ड पोलन ग्रेन को अपने साथ उठा के ले जा रहा है, पानी में पोलन ग्रेन बेटा फ्लो हो रहा है, हवा के साथ पोलन ग्रेन उड़ रहा है बेटा। तो मैक्सिमम केसेस में उस टाइम पे पोलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल्स होती है, दो सेल्स होती है, क्लियर है ना। जैसे ही ये पोलन ग्रेन बेटा स्टेग्मा के ऊपर बैठ जाता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है ना। तो पोलन ट्यूब जैसे एक्सटेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब बेटा इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स ये नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब में ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इसका जनरेटिव सेल जो है, जो पीछे आपको दिखाई दे जनरेटिव सेल, वो डिवाइड करेगा बेटा, और डिवाइड करके वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, माइटोसिस से डिवाइड करेगा और दो सेल्स बनाएगा। जो ये दो सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं, क्लियर है ना। यानी अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्ट में, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, दिस इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हियर बेटा, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के अंदर कितनी सेल्स पाई जाती है, तीन सेल्स पाई जाती है आफ्टर पॉलिनेशन, एंड दो सेल्स पाई जाती है बिफोर पॉलिनेशन। अगर बिफोर पॉलिनेशन की बात करें तो जनरेटिव एंड ट्यूब सेल है, अगर आफ्टर पॉलिनेशन की बात करें तो तीन सेल्स है, जिसमें से दो है मेल गैमेट्स और एक है ट्यूब सेल बेटा, क्लियर है ना। ट्यूब सेल के बारे में हमने कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्यूब सेल क्या करता है बेटा, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस बेटा, जो किसको सेंस करता है, जो किसको पहचानता है, जो केमिकल सिग्नल्स ऑफ सिनर्जिड को एंड आर्बोरेटर को पहचानता है। तो ट्यूब सेल का काम क्या है बेटा, इसका काम है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, हमारे पोलन ट्यूब, मतलब ये पोलन ट्यूब को बताएगा कि हमें किस साइड में ग्रो करना है, किस टाइम, मतलब किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है, उसी के पास पावर होता है बेटा, किसको डिटेक्ट करने का, कैल्शियम को, बोरॉन को एंड मैलिक एसिड को डिटेक्ट करने का, क्लियर है ना। तो ये ट्यूब सेल का काम है। जैसे ये इसका काम फिनिश होगा, फिर ट्यूब सेल गायब हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा बेटा, पीछे मेल गैमेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है बात बेटा, वो याद रखनी है कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेल गैमेटोफाइट में तीन सेल्स होती है और तीन न्यूक्लियस होते हैं। बिफोर पॉलिनेशन ये टू सेल्ड होता है, आफ्टर पॉलिनेशन ये थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसको, क्लियर है ना। चले अब हम आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ बेटा। फीमेल गैमेटोफाइट में ऑलरेडी आपको पता है बेटा, ये जो बाहर वाला कवर है बेटा, दिस इज आउटर इंटिगमेंट, ठीक है ना। ये जो दूसरा कवर है बेटा, दिस इज इनर इंटिगमेंट। तो ओवरऑल ये बेटा कवर है बेटा ओव्यूल का, इसको हम इंटिगमेंट बोलते हैं। इंटिगमेंट से जब आप अंदर आएंगे बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये जो एरिया होगा बेटा, इधर वाला एरिया जो होगा, ठीक है, जो गैप आपको दिखाई दे रहा है बीच में, जब ये एम्ब्रियोसाइट ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट, यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाता है बेटा, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है, जिस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम न्यूसिलस बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है,
यहाँ पे आपको बड़ा न्यूसिलस मिलेगा, NUCELLUS, यहाँ पे न्यूसिलस मिलता है। जैसे न्यूसिलस खत्म होगा तो आप अंदर आएंगे, तो अंदर आपको ऊपर से, अच्छा ये जो ब्लैक सेल दिखाई दे रही है आपको बेटा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये जो ब्लैक, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ब्लैक सेल जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेल जो है बेटा, दिस कंप्लीट सेल इज नोन एज, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, दिस कंप्लीट सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल बेटा। ये सेंट्रल सेल हो गया, ठीक है ना। सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, एन एन दोनों हैप्लॉइड होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस हो गए, दे आर नोन एज सेकेंडरी और पोलर न्यूक्लियस। अब इस सेंट्रल सेल के अंदर बेटा और छह सेल्स है, जिसमें से ऊपर वाली तीन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना। एंटीपोडल सेल्स का काम क्या होता है, जब एम्ब्रियो से ग्रो कर रहा होता है तो यही एंटीपोडल सेल्स बेटा न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी, और किसको देती है बेटा, एम्ब्रियो सैक को देती है। मतलब ये एंटीपोडल सेल्स बेटा यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी ऐसे, और किसको प्रोवाइड करेंगे वो न्यूट्रिशन बेटा, सेंट्रल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इनका डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो ऐसे होगा, क्लियर है ना। तो ये ऐसे होगा, तो इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तीन एंटीपोडल सेल्स होती है। नीचे अगर आप देखेंगे बेटा, तो दिस होल थ्री सेल स्ट्रक्चर, ये जो तीन सेल स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, इसको हम एग एपरेटस बोलते हैं। और एग एपरेटस में बेटा ये जो दो छोटी सेल्स दिखाई दे रही है आपको, दीज टू स्मॉल सेल्स बेटा, ये साइड में है, ये वाली सेल बेटा एंड ये वाली, इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो सिनर्जिड्स दो होती है, और बीच वाली जो ये बड़ी सेल दिखाई दे रही है बेटा, दिस इज नोन एज एग सेल, क्लियर है ना। तो अगर हम ओवरऑल देखें बेटा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कितनी सेल्स है, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बेटा ये तो हो गई तीन, ये हो गई तीन, हो गई छह, और बीच वाला जो बड़ा सेल है बेटा सेंट्रल सेल, हो गई सात। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सेवन सेल्स होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस गिने तो कितने होंगे बेटा, आठ न्यूक्लियस होंगे, एक दो तीन चार पांच छह एंड ये दो हो गए आठ। तो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, मेल गैमेटोफाइट है थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। तो अगर आपको मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एकदम क्लियर से समझ आ गया, अब हम पढ़ेंगे किस चीज को बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन को, एक डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम स्टडी करेंगे, क्लियर है ना। अब और एक चीज आगे बढ़ने से पहले याद रख लेना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आपको बेटा ये सेवन सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसमें जो तीन एंटीपोडल सेल्स है बेटा, इनका काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और सेंट्रल सेल को देना। जैसे ही बेटा पोलन ट्यूब अंदर आएगा, मतलब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा पोलन ट्यूब, एंटीपोडल सेल्स का काम फिनिश हो गया, बिकॉज अब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड देना बंद कर देंगी, अब न्यूट्रिशन अंदर से डेवलप होगा बेटा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, तो एंटीपोडल सेल्स की डेथ हो जाती है। तो कितनी रह जाएगी पीछे सेल्स बेटा, अब तीन तो मर गई, टोटल सात थी, अब कितनी रह जाएगी बेटा, चार सेल्स रह जाएगी, जिसमें से तीन होगी बेटा एग एपरेटस की, एक होगी बेटा सेंट्रल सेल, ठीक है ना। एग एपरेटस में कल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, दो सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड क्या करता है, वो केमिकल सिग्नल रिलीज करता है, और वो इतना ज्यादा केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा कि जैसे पोलन ट्यूब नजदीक आएगा उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज उसने पूरा केमिकल बेटा रिलीज कर दिया, वो एग्जॉस्ट हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट वो सेल क्या हो जाती है, मर जाती है। फिर कितनी रह जाएगी, फिर तीन सेल्स रह जाएगी, एक एग सेल, एक सिनर्जिड और एक सेंट्रल सेल। एंड फाइनली बेटा जब पोलन ट्यूब नजदीक आएगा किसके, इस ओव्यूल के या एम्ब्रियो सैक के, तो वो सर्वाइविंग सिनर्जिड से अंदर आएगा। देखो ये सिनर्जिड तो पहले ही मर गया बेटा बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल, ये सिनर्जिड बच गया, तो इस सिनर्जिड के बीच में से कौन एंटर करेगा बेटा, इसके बीच में से पोलन ट्यूब एंटर करेगा, और जैसे वो इसके बीच में एंटर करेगा ना, वो इससे बेटा कोलाइड करेगा, इसके थ्रू एंटर करेगा, तो इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेंगे ये दो न्यूक्लियस विद सेंट्रल सेल एंड एग सेल बेटा। और फाइनली हमारे पास ऑलरेडी पता है, हमारे पास दो मेल गैमेट है बेटा, इधर देख लीजिए दो मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट बेटा आके इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ, इन दो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट आके बेटा एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, दैट मींस यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्लियर है ना। इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं डायग्राम में, तो हम आगे बढ़ते बेटा, हम डायग्रामेटिक पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। तो ये डायग्राम दोबारा से हैंड ड्रॉन डायग्राम है बेटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो ध्यान से देख लीजिए, इस डायग्राम को आपने दिन ध्यान से देख लिया, आपको बेटा बाद में थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसके लिए, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम वन में आप देख लीजिए बेटा, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको पता है बेटा, दिस इज योर इंटेगमेंट, ये इंटेगमेंट वाला पार्ट है बेटा, ठीक है ना।
ये बाहर वाला इंटेगमेंट वाला पार्ट हो गया ऐसे, क्लियर है ना। इंटेगमेंट के अंदर बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको ओव्यूल एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है। तो ये बेटा एम्ब्रियो सैक हो गया जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, तो ये एम्ब्रियो सैक हो गया बेटा, दिस इज एम्ब्रियो सैक, क्लियर है ना। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको दिखाई दे रही है कुछ सेल्स, ये जो ऊपर सेल्स दिखाई दे रहे जिनको हमने अभी अभी देखा, दे आर एंटीपोडल सेल्स, तो ये तीन एंटीपोडल सेल्स हो गई, ठीक है ना। ये पोलर न्यूक्लियस हो गया जो हमने अभी अभी देखा था, दिस इज पोलर न्यूक्लियस बेटा, क्लियर। और ये है सिनर्जिड जो हमने अभी देखा था, दिस इज सिनर्जिड वन एंड दिस इज सिनर्जिड टू, क्लियर है। और बीच में क्या बेटा, बीच में एक सेल है। तो ये हम दोबारा से किसको देख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक को देख रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा जो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा, बिकॉज ऑफ केमिकल रिलीज ऑफ केमिकल रिलीज बाय आर्बोरेटर एंड सिनर्जिड्स बेटा, आउट ऑफ टू सिनर्जिड वन सिनर्जिड बेटा केमिकल रिलीज करेगा। तो इस केमिकल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम टू में, तो यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बेटा, कौन रिलीज कर रहा है, ये वाली सिनर्जिड रिलीज कर रही है, क्लियर है ना। इन केमिकल्स को कौन सेंस कर रहा है बेटा, इन केमिकल्स को पोलन ट्यूब का ये वाला सेल सेंस कर रहा है, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, जो हमने अभी देखा था, जिसको हम बेटा ट्यूब सेल बोलते हैं, और इसके न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बेटा इस सिनर्जिड की केमिकल्स को सेंस करेगा, तो पोलन ट्यूब किसकी तरफ ग्रो करेगा बेटा, इस सिनर्जिड की तरफ ग्रो करेगा। पहले तो आर्बोरेटर पे आएगा जो हमने ऑलरेडी देखा था, अभी हम आर्बोरेटर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, तो मैं इस सिनर्जिड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पोलन ट्यूब का ट्यूब न्यूक्लियस जो है बेटा, ठीक है ना, वो पहचान रहा है बेटा केमिकल्स को, जिन केमिकल्स को कौन रिलीज कर रहा है, जिन केमिकल्स को बेटा ये सिनर्जिड रिलीज कर रहा है, क्लियर है ना, ये वाला सिनर्जिड रिलीज कर रहा है। तो जैसे ही केमिकल्स को रिलीज करेगा, तो हमारा जो ट्यूब न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ पे ट्यूब सेल का ट्यूब न्यूक्लियस है, वो इन केमिकल्स को सेंस कर रहा है या इनको पहचान रहा है। जैसे वो केमिकल्स को पहचानेगा, तो हमारा पोलन ट्यूब जो है बेटा, कंप्लीट पोलन ट्यूब जो है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा, वो इसी सिनर्जिड की तरफ ग्रो करेगा। यानी पोलन ट्यूब का ग्रोथ का डायरेक्शन जो है बेटा, ये इसका डायरेक्शन है इस टाइम पे, तो ये इस डायरेक्शन में बेटा इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, बिकॉज उसको केमिकल्स कहाँ से मिल रहे हैं, इस सिनर्जिड से मिल रहे हैं। जैसे ये हमारी सिनर्जिड जो है बेटा, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, जैसे ये केमिकल्स को रिलीज करती जाएगी, हमारा पोलन ट्यूब इसके नजदीक आता रहेगा, क्लियर है ना। जैसे जैसे पोलन ट्यूब बेटा माइक्रोपाइल पे पहुंचेगा, तो ये हमारा माइक्रोपाइल है बेटा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, दिस इज द माइक्रोपाइल बेटा। जैसे ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पे पहुंचेगा, दैट मीन ये नजदीक पहुंच गया इस सिनर्जिड के बेटा, जैसे ये इस सिनर्जिड के नजदीक पहुंचेगा, इस सिनर्जिड की क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है बेटा, बिकॉज इसने बहुत ज्यादा केमिकल रिलीज कर दिए है, बिकॉज ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ केमिकल्स या वेस्टेज ऑफ एक्सेस केमिकल्स बेटा, ये एग्जॉस्ट हो जाती है, और एग्जॉस्ट की वजह से बेटा ये क्या हो जाती है, मर जाती है। तो अगर आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं, पोलन ट्यूब बेटा नजदीक आ गया माइक्रोपाइल के, तो ये देख लीजिए बेटा माइक्रोपाइल पे आ गया। जैसे ही माइक्रोपाइल पे पहुंचा, सेम टाइम पे बेटा किसकी डेथ होगी, इस वाली सिनर्जिड की डेथ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये सिनर्जिड डेथ है, ये मर गई, डिजेनरेट्स ड्यू टू केमिकल रिलीज बेटा, तो ये बिकॉज ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ केमिकल्स इस सिनर्जिड की बेटा डेथ हो जाती है, क्लियर है ना। जैसे ही सिनर्जिड डेथ की डेथ हो गई बेटा, तो हमारा पोलन ट्यूब कंफ्यूज हो गया, बिकॉज अब उसको पता ही नहीं मेरे को जाना कहाँ पे है, वो खो गया बेटा। इसको एड्रेस मिला था बेटा, ये वाला इसको एड्रेस दिया गया था, इसको एड्रेस दे रही थी बेटा ये वाली सिनर्जिड, यहाँ आना है, यहाँ आना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंच गया बेटा, इस जगह पे पहुंच गया, सिनर्जिड की डेथ हो गई बेटा, उसको किसी ने मार दिया, उसको केमिकल रिलीज ने मार दिया। जैसे वो मर गई, तो बेटा हमारे पोलन ट्यूब को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूज हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो ड्यूरिंग दिस कंफ्यूजन बेटा, हमारी सेकंड सिनर्जिड जो है बेटा, ये वाली सिनर्जिड जो है, उसको पता चल गया कि पहली वाली सिनर्जिड मर गई या उसकी सिस्टर मर गई बेटा, क्लियर है ना। अब उसको पोलन ट्यूब को अंदर लाना है, अंदर मतलब इस पार पोर्शन में बेटा, एम्ब्रियो सैक में लाना है। तो एम्ब्रियो सैक में लाने के लिए अब क्या होगा, अब ये सेकंड सर्वाइविंग सिनर्जिड जो है बेटा, ये केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी। जैसे ही ये केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी, अब हमारा पोलन ट्यूब किसकी तरफ बढ़ेगा, इस पर्टिकुलर सर्वाइविंग सिनर्जिड की तरफ बढ़ेगा बेटा, क्लियर है ना। चलिए अब जैसे अब आप डायग्राम फोर में देख सकते हैं, तो अब ये तो मर गया, यहाँ पे जो अभी तक सिनर्जिड था बेटा, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, यहाँ पे जो सिनर्जिड था बेटा वो तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया बेटा, ठीक है ना। अब उसकी जगह किसने ले ली बेटा, उसकी जगह इस वाली सिनर्जिड ने ले ली, अब केमिकल्स ये वाली सिनर्जिड रिलीज कर रही है, क्लियर है ना। जैसे ही ये केमिकल रिलीज करना शुरू करेगी, तो हमारा पोलन ट्यूब अब कहाँ की तरफ बढ़ेगा, अब इसकी तरफ बढ़ेगा बेटा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब इस सिनर्जिड के पास पहुंचेगा बेटा, तो ये इस सिनर्जिड के साथ क्या करता है बेटा, कोलाइड करता है, बिकॉज इसका स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या होता है, 1 to 6 mm/h होता है। तो विद दिस स्पीड बेटा, बिकॉज सिनर्जिड तो एक ही जगह पे रुकी हुई है, लेकिन पोलन ट्यूब मूव कर रहा है बेटा, तो जैसे पोलन ट्यूब मूव करेगा और इस सिनर्जिड के पास पहुंचेगा, तो ये इससे कोलाइड करेगा। जैसे ही इससे कोलाइड करेगा बेटा, तो बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ पोलन ट्यूब विद द सिनर्जिड बेटा,
सिनर्जिड की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, बिकॉज ये टकराएगा उसके साथ, बिकॉज ऑफ कोलिजन बेटा ये उसके न्यूक्लियस को, उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, और साथ ही साथ बेटा हमारा पोलन ट्यूब का जो टिप था बेटा, ये हमारे पोलन ट्यूब का टिप है ना इधर, ये पोलन ट्यूब का टिप है बेटा इधर, ये टिप भी क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टिप क्या हो गया बेटा, ये टिप ब्रेक हो गया, और जैसे ये टिप ब्रेक होगा इसके ब्रेकेज की वजह से क्या हो जाता है, ये रिलीज करता है बेटा किनको, दो सेल्स को जिनको मेल गैमेट्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ट्यूब न्यूक्लियस इसने रिलीज क्यों नहीं किया, बिकॉज जैसे ही बेटा सिनर्जिड के पास पहुंचेगा ना, अब ट्यूब न्यूक्लियस का काम फिनिश हो गया, बिकॉज जैसे ही टकराएगा बेटा, टकराने के टाइम पे ट्यूब न्यूक्लियस का काम तो फिनिश हो गया, बिकॉज ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या था, केमिकल्स को रिलीज पहचानना और हमारे पोलन ट्यूब को बेटा डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अब वो काम तो फिनिश हो गया, अब उसका कोई फंक्शन ही नहीं है बेटा, बिकॉज उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते डायग्राम फोर में उसका क्या हो जाता है बेटा, उसका ऑटोमेटिक डिजेनरेशन होता है, मतलब ट्यूब न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इस जो यहाँ पे रिमेन्स रहेगा ना बेटा ट्यूब न्यूक्लियस के, दीज रिमेन्स ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस आर नोन एज एक्स बॉडी बेटा। तो यहाँ पे रिमेन्स ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस जो रह गए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी, एक्स बी ओ डी वाई, इसको हम एक्स बॉडी बोलते हैं। तो मतलब जैसे ही पोलन ट्यूब का टिप ब्रेक होगा, उस सेम टाइम पे बेटा उसका ट्यूब न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा तो उसका रिमेन्स रहेंगे जिनको हम एक्स बॉडी बोलते हैं, और प्लस पीछे क्या रह जाएंगे बेटा, दो मेल गैमेट्स रह जाएंगे। तो जैसे ही एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, तो ये रिलीज करेगा एक्स बॉडी को जिसका कोई फंक्शन नहीं होगा बेटा, और प्लस क्या रिलीज करेगा, दो मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा, समझ गए ना। जैसे ही मेल गैमेट्स एंटर कर, अच्छा अब हमारे पास कितनी सेल्स बच गई बेटा, अब हमारे पास तीन एंटीपोडल सेल्स बच गई, एक सेंट्रल सेल बच गया और एक एक्स सेल बच गया, बाकी तो सब खत्म हो गया। जैसे ही मेल गैमेट्स बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करते हैं, सेम टाइम पे बेटा ऑटोमेटिकली जो एंटीपोडल सेल्स होती है उनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, ये तीनों सेल्स ब्रेक होना शुरू हो, या तो इनके बाहर बेटा एक थिक वॉल बनेगा या तो ये ब्रेक हो जाएंगे। अब ये ब्रेक क्यों हो रही है, सिनर्जिड ब्रेक हो रही है, एंटीपोडल ब्रेक हो रही है, इसलिए ब्रेक हो रही है ताकि हमारा मेल गैमेट बेटा गलती से इनके साथ फ्यूज ना करे, बिकॉज अगर इनके साथ फ्यूज हो गया तो वो फॉल्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो सूडो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हम ऐसा चाहेंगे नहीं बेटा, हम एक परफेक्ट सिनगैमी, परफेक्ट ट्रिपल फ्यूजन चाहते हैं। तो इस वजह से बेटा उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये सारी रिमेनिंग सेल्स जो है बेटा अपना काम करने के बाद इनकी डेथ हो रही है बेटा। तो एंटीपोडल्स भी डेथ हो गई, जब एंटीपोडल्स खत्म हो जाएगी फिर हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास बचा बेटा एक बचा एक्स सेल और एक बचा सेंट्रल सेल, ये बड़ा सा सेल जो बेटा ये सेंट्रल सेल है। अब क्या होगा, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स बेटा एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ, जो दो न्यूक्लियस है बेटा, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा बेटा किसके साथ, एक्स सेल के साथ। तो मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियस के बीच में, एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा मेल गैमेट एंड एक्स सेल के बीच में। वो फर्टिलाइजेशन बेटा जो पोलर न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट के बीच में हो रहा है उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस और ये दो न्यूक्लियस हो गए तीन न्यूक्लियस, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा जहां पे क्या हो रहा है बेटा, जहां पे मेल गैमेट जो है बेटा वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली एक्सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको सिनगैमी बोलते हैं। यानी यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक हो रहा है बेटा मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियस जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, एक हो रहा है बेटा मेल गैमेट एंड एक्सेल जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। तो ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है, तो दोनों फर्टिलाइजेशन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी डबल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक हो रहा है मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियस एंड दूसरा हो रहा है बेटा मेल गैमेट एंड एक्सेल, क्लियर है ना। जो फर्टिलाइजेशन बेटा मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियस के बीच में होगा, ठीक है ना, इनकी वजह से बेटा एक ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा, जिस ट्रिप्लॉइड सेल को हम बेटा एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। तो मतलब रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन क्या है बेटा, एंडोस्पर्म है, लेकिन रिजल्ट ऑफ सिनगैमी क्या होता है बेटा, एक डिप्लॉइड सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा एक ट्रिप्लॉइड सेल जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, एक बनेगा एक डिप्लॉइड सेल जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। यानी ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म एंड सिनगैमी का रिजल्ट होता है बेटा जायगोट और डिप्लॉइड सेल जिसको हम जायगोट बोलते हैं, क्लियर है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सिनर्जिड केमिकल रिलीज कर रहा है, रिलीज ऑफ केमिकल की वजह से पोलन ट्यूब सिनर्जिड की तरफ ग्रो कर रहा है। जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करता जाएगा तो वो माइक्रोपाइल पे पास पहुंचेगा, जैसे माइक्रोपाइल के पास पहुंचेगा तो जो सिनर्जिड उसको बुला रहा था उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज कर लिए होते हैं। सो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स उसकी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है।
जैसे उस सिनर्ड की जिस जो बुला रहा था पोलन ट्यूब को, जैसे उसकी डेथ हो जाएगी तो पोलन ट्यूब कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज अब उसको कोई बुलाने वाला नहीं है बेटा, बिकॉज वो केमिकल्स को सेंस कर रहा था। तो जैसे ही ये डेथ हो जाती है तो इस पर्टिकुलर डेथ के बाद, मतलब इस सिनर्ड की डेथ के बाद बेटा, जो सेकेंड सर्वाइविंग सिनर्ड होती है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी। जैसे वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी तो पोलन ट्यूब बेटा उसी पर्टिकुलर सिनर्ड की तरफ ग्रो करेगा। जैसे वो उसकी तरफ ग्रो करता है तो वो इसके साथ क्या करेगा, कलाइड करेगा। मतलब पोलन ट्यूब सर्वाइविंग सिनर्जी के साथ कलाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ कोलिजन बेटा, बिकॉज मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब जो है बेटा उसका एक स्पीड है बेटा 1 to 6 mm/h बेटा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पीड, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन बेटा, एक्सेल सिनर्जिड जो है बेटा, पोलन ट्यूब जो है बेटा, वो पोलन ट्यूब इसी सिनर्जिड के थ्रू एंटर कर दिया। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पोलन ट्यूब एमरोसेक में कैसे एंटर करता है, तो याद रखना बेटा थ्रू सर्वाइविंग सिनर्जिड करता है। तो जैसे इसके बीच में से वो एंटर करेगा तो ये पूरे सिनर्जिड को ब्रेक डाउन कर देगा, उसके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, उसके साइटोप्लाज्म को तोड़ेगा, तो खाली रिमेन्स रह जाएंगे उसके, बाकी वो पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे ये टकरा देता है सेम टाइम पे बेटा इनसाइड पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है बेटा, वो भी खत्म हो जाता है, बिकॉज वो भी टिप पे प्रेजेंट था, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन बेटा उसकी भी क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके रिमेन्स रह जाएंगे जिसको हम एक्स बॉडी बोलते हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगा इनटू द एम्ब्रियो सैक तो वो रिलीज करता है बेटा दो पर्टिकुलर मेल गैमेट्स। तो बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ दीज टू मेल गैमेट्स एंड टू अवॉइड बेटा इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, एंटीपोडल सेल्स या तो अपने बाहर वॉल बना लेगी या तो उनकी भी क्या हो जाती है बेटा, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो रिमेन्स फिर क्या रह जाता है हमारे पास बेटा, हमारे पास फाइनली रह जाता है एक एक्सेल और एक सेंट्रल सेल। एक्सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल सेल के दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम बेटा पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा बेटा एक्सेल के साथ। पहला मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर गया उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। दूसरा मेल गैमेट जो बेटा एक्सेल के साथ फ्यूज कर गया उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सिनगैमी नाम देते हैं। सिनगैमी की वजह से जायगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या बनता है बेटा, उसकी वजह से बनता है एक न्यूट्रेटिव ट्रिपलॉइड टिश्यू जिसको हम बेटा एंडोस्पर्म बोलते हैं, ये सेल को हम एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए देख लेते हैं बेटा कि क्या हम बात कर रहे थे, बिकॉज अब आपको बेटा थ्योरी पढ़ने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा ज्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। चलिए तो देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, एक मिनट, ओके, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाशीन इन फ्रेटेलेरिया एंड लिलियम एंड प्रूव्ड बाय ग्यूनगार्ड बेटा। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर करने वाला कौन था और प्रूव किसने किया इसको। क्लियर है ना? The pollen tube moves towards one synergid of egg apparatus, which is releasing chemical signals to attract the pollen tube. यही बात है बेटा जो हम अभी जो diagrammatic portion पढ़ा था ना, उसी को हम बेटा theoretically देख रहे हैं। तो मतलब pollen tube जो है बेटा, pollen tube move कर रहा है towards one synergid of egg apparatus. Egg apparatus में दो synergids होती है और एक एक्सेल होता है। तो out of those two synergids, एक synergid की तरफ pollen tube बेटा move कर रहा है। वो कौन सा होगा सिनर्जिड, विच इज रिलीजिंग केमिकल सिग्नल। वो पर्टिकुलर पोलन ट्यूब बेटा उस पर्टिकुलर सिनर्जिड की तरफ ग्रो करेगा जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है। एज पोलन ट्यूब रीच नियर प्रॉक्सिमिटी ऑफ माइक्रोपाइल, जैसे ही पोलन ट्यूब बेटा माइक्रोपाइल के नजदीक पहुंचेगा एंड द सिनर्जिड रिलीजिंग केमिकल सिग्नल, दिस सिनर्जिड ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट्स ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ केमिकल सिग्नल। वही बात है बेटा, जैसे ये नजदीक पहुंचेगा, नजदीक पहुंचने के बाद बेटा ये सिनर्जिड जो ये केमिकल्स रिलीज कर रहा था, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा एक्सेस केमिकल्स रिलीज करे हैं, इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है या डेथ हो जाती है। एंड दस केमिकल सिग्नलिंग स्टॉप्स फ्रॉम दिस सिनर्जिड, जैसे ये इसकी डेथ हो जाएगी तो इसके केमिकल सिग्नल रिलीज होना बंद हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना? आगे एट द सेम टाइम मतलब जैसे इसने केमिकल रिलीज करना बंद कर दिया, सेम टाइम पे बेटा सेकंड सिनर्जिड स्टार्ट्स टू रिलीज केमिकल सिग्नल। तो जो सर्वाइविंग सिनर्जिड है बेटा वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सिनर्जिड। पोलन ट्यूब क्या करेगा, अब इस सिनर्जिड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। द पोलन ट्यूब हिट्स दिस सिनर्जिड एट अ स्पीड ऑफ 1 to 6 mm/h बेटा। पोलन ट्यूब इस सिनर्जिड को हिट करेगा विद अ स्पीड ऑफ 1 to 6 mm/h व्हिच रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन ऑफ दिस सिनर्जिड एज वेल एज द टिप ऑफ पोलन ट्यूब। जैसे ये टकराएगा तो सिनर्जिड की भी डेथ हो जाएगी और पोलन ट्यूब की टिप की भी ब्रेकडाउन हो जाएगी। क्लियर है ना? इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, द पोलन ट्यूब दस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, द पोलन ट्यूब दस एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू सिनर्जिड बेटा। याद रखना पोलन ट्यूब हमेशा एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है बेटा, कहां से, सर्वाइविंग सिनर्जिड से बेटा। ठीक है ना?
एंड दिस प्रिवेंट्स, अब ये सिनर्जी से क्यों एंटर कर गया, ये डायरेक्टली एक्सेल के साथ फ्यूज क्यों नहीं कर रहा है बेटा, ये एक्सेल के साथ डायरेक्टली इसलिए फ्यूज नहीं कर रहा है बिकॉज अगर ये डायरेक्टली टकराएगा, डायरेक्टली कोलाइड करेगा ना एक्सेल के साथ, तो ये एक्सेल को ही ब्रेक कर देगा। In order to protect the Excel, बेटा synergid अपने आप, synergid जो है बेटा वो अपने आप को sacrifice करेगा, because synergid मरेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर Excel ही directly मर जाता बेटा तो फिर तो कभी double fertilization होता ही नहीं। यही reason है बेटा ये हमेशा enter किसके through करेगा, ये synergid के through enter करेगा। And this prevents direct hitting of pollen tube with the Excel, because if it may have happened, that would have led to the breakdown of Excel बेटा, तो ये avoid करेगा direct collision of Excel and tube. न्यूक्लियस डायरेक्ट कोलिजन ऑफ एक्सेल एंड पोलन ट्यूब बेटा, बिकॉज अगर डायरेक्टली पोलन ट्यूब एक्सेल के साथ टकराता तो वो पूरे एक्सेल को क्या करा देता, ब्रेक करा देता बेटा। तो इसलिए ब्रेक की से बचने के लिए कौन सेक्रीफाइस करेगा खुद को बेटा, सेकंड सिनर्जिड खुद को सेक्रीफाइस करता है। एज पोलन ट्यूब एंटर्स इन टू द एम्ब्रियो सैक, जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा, इट्स टिप डिसइंटीग्रेट्स, इसका टिप डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक होगा एंड रिलीजेस एक्स बॉडी एंड टू मेल गैमेट्स बेटा। तो मैंने आपको पहले बोला एक्स बॉडी क्या था, एक्स बॉडी बेटा रिमेन्स ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस थे बेटा, ये ट्यूब सेल थे, बिकॉज ट्यूब सेल भी ब्रेक हो जाएगा ड्यूरिंग एंट्री, तो रिमेन्स ऑफ ट्यूब सेल को हम बेटा एक्स बॉडी बोलते हैं। एट द सेम टाइम एंटीपोडल सेल्स स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट्स, जैसे ही मेल गैमेट अंदर आएगा तो एंटीपोडल सेल्स भी ब्रेक होना शुरू होंगी, और दे विल डेवलप थिक वॉल अराउंड देम टू प्रिवेंट फ्यूजन विद द मेल गैमेट, या तो वो थिक वॉल बना लेगी या तो उनका भी ब्रेक डाउन होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, ताकि मेल गैमेट उनके साथ फ्यूज ना करे बेटा, ठीक है ना। नाउ on embryo sac, not on, no, now in embryo sac, now in embryo sac there are two male gametes, ab embryo sac mein beta do male gametes aa gaye, one xl and two polar nucleus beta, theek hai, to matlab is time pe beta jab ye entry ho gayi pollen tube into embryo sac, us time pe finally beta embryo sac ke andar do male gametes hote hain, do polar nuclei hote hain, theek hai na, ek xl hota hai और एक सेंट्रल सेल होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे बेटा, तो दो तो हो गए बेटा पोलर, दो तो हो गए मेल गैमेट्स और एक हो गया बेटा एक्सेल, तो कितने हो गए, पांच न्यूक्लियस हो गए बेटा, ठीक है। और सेल्स कितनी होती है बेटा, एक एक्सेल हो गया, एक सेंट्रल सेल हो गया, दो सेल्स होती है। Thus in embryo sac there are five nuclei at the time of fertilization, तो याद रखना at the time of fertilization पांच होते हैं न्यूक्लियस और दो होती है सेल्स बेटा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। Now, अब डबल फर्टिलेशन क्या है बेटा, तो ये हमने कहानी डबल फर्टिलेशन की पहले सुनी बेटा, तो फाइनली हमने देखा कि एंट्री हो गई बेटा दो मेल गैमेट्स की किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, अब होगा डबल फर्टिलेशन बेटा। तो डबल फर्टिलेशन दो पार्ट्स में होता है, एक होता है सिनगैमी जो हमने अभी देखा था, सिनगैमी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं एंड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, सिनगैमी के अलग अलग नाम है, सिनगैमी को हम बेटा ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं या शॉर्ट में सिनगैमी भी बोलते हैं। तो क्या है सिनगैमी का मतलब, द न्यूक्लाई ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक, जैसे न्यूक्लियस रिलीज किए जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर गया, एग के साथ, और क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सिनगैमी वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रापा बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिनगैमी को डिस्कवर करने वाला था स्ट्रासबर्गर, और कहां पे डिस्कवर किया, मोनोट्रापा प्लांट के अंदर डिस्कवर किया। द डिप्लॉयड जायगोट फाइनली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये जो सिनगैमी की वजह से जायगोट बना यही बाद में किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, यही जायगोट बाद में क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा, क्लियर है ना। सेकंड रह गया बेटा वेजिटेटिव, तो ये पहला फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड फर्टिलाइजेशन है बेटा वेजिटेटिव, जिसको हम सूडो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं या ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियस, तो दूसरा मेल गैमेट जो बच गया वो दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेटा। तो क्या बनाएगा, ये एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे ये एम्ब्रियो सैक था बेटा ऐसे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था पोलर न्यूक्लियस वन, ये था बेटा पोलर न्यूक्लियस टू, ठीक है ना, और यहाँ से आया बेटा मेल गैमेट, ये आ गया मेल गैमेट, ये ऐसे मेल गैमेट आ गया, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के साथ फ्यूज करेगा, ये बेटा एन था, ये एन था, ये भी एन था और ये भी एन था, तो तीनों हैप्लॉयड थे बेटा। तो जब ये साइकिल कंप्लीट होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, तो इस फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया, ठीक है ना, ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम
PEN बोलते हैं, PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉयड होता है, ये 3N होगा, क्लियर है ना। चलिए तो इसकी वजह से क्या बना बेटा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्मड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जिस सेल को अभी तक हम सेंट्रल सेल बोलते हैं बेटा, अब वही सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो, जिस सेल को हम अभी तक सेंट्रल सेल नाम दे रहे थे, अब वही सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सेल एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एंडोस्पर्म सेल बेटा बाद में माइटोसिस से कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और एक टिश्यू बनाएगा, जिसको हम एंडोस्पर्म टिश्यू बोलेंगे, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना। These two acts of fertilization constitute the process of double fertilization. तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, इनको double fertilization बोलते हैं। Double fertilization occurs in angiosperms only. Double fertilization खाली angiosperms में देखा जाता, किसी और प्लांट में नहीं देखा जाता, except कुछ angiosperms ऐसे हैं जो double fertilization नहीं दिखाते हैं बेटा, जिसमें आपको examples याद रखनी है, जैसे ट्रापेसी angiosperm फैमिली है जो double fertilization नहीं दिखाएगी, ऑरिचिडेसी angiosperm फैमिली है जो double fertilization नहीं दिखाएगी, पोडोस्टेमेसी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाती है। तो अगर ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखा रही है, दैट मींस बेटा इनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मींस इनमें जायगोट तो बनेगा लेकिन इनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। तो याद रखना, जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनमें नॉर्मल जायगोट तो बनता है, लेकिन उन फैमिलीज के अंदर बेटा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा बेटा, क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। आई होप बेटा आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आप याद रखेंगे शॉर्ट में बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या, मेल गैमेट फ्यूज कर गया एग के साथ और बना लिया बेटा जायगोट, मेल गैमेट फ्यूज कर गया बेटा पोलर न्यूक्लियस के साथ और बना लिया बेटा एंडोस्पर्म। तो एट द एंड ऑफ द डे डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनती है, एक बनता है जायगोट, एक बनता है एंडोस्पर्म। जायगोट कन्वर्ट होगा बेटा एम्ब्रियो में, अब एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए चाहिए खाना, चाहिए न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेगा ट्रिप्लॉयड टिश्यू प्रोवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं बेटा, क्लियर है ना। चलिए तो ये था हमारा बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जब एक बार ओव्यूल का या जब एक बार ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओवरी मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो चीजें पहले ओवरी में थी, जैसे पहले ओवरी में ओव्यूल था, पहले ओवरी में एंटेगमेंट था, पहले ओवरी में माइक्रोपाइल था, पहले ओवरी में न्यूसिलस था, पहले ओवरी में एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, पहले ओवरी में एग सेल था, पहले ओवरी में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है डैश एंड डैश। तो हम देखते हैं बेटा ये सारी चीजें आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होती है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में वो क्या थी एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो क्या बनेंगी बेटा, ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं। चले तो ये दोबारा से सेम चीज है बेटा, ये डबल फर्टिलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये पोलन ट्यूब बेटा ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, पीछे जनरेटिव सेल है, नीचे ट्यूब सेल है, बाद में ये सिंगल जनरेटिव सेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बाद में ये डिवाइड करके बेटा दो मेल गैमेट्स के अंदर, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है बेटा आगे, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे तीन सेल्स है बेटा, ये है बेटा एक एग सेल, ये है दो सिनर्जिड्स बेटा, टू सिनर्जिड्स है, ये दो पोलर न्यूक्लियस है, और ये क्या, ये तीन एंटीपोडल सेल्स है यहाँ पे, क्लियर है ना। फिर क्या हुआ, पोलन ट्यूब अंदर आया, पोलन ट्यूब टकराया बेटा, इसने फ्यूज कर दिया, ठीक है, फ्यूजन के बाद एक सिनर्जिड की डेथ हो गई, एक बच गई, फाइनली एक इधर फ्यूज करेगा, एक इधर फ्यूज करेगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर किसका बेटा, ये दोबारा से डबल फर्टिलाइजेशन का ही प्रोसीजर। तो जो मैंने डायग्राम बाय हैंड बनाया तो वो ज्यादा इफेक्टिव है बेटा, उसको अच्छे से याद रख लेना। चले तो अभी हम आते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है, क्लियर है ना। चले चलिए तो सबसे पहले पार्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर में बेटा बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था, सेपल था, पेटल था, स्टैमेन था, स्टाइल था एंड स्टैग्मा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये फॉल ऑफ हो जाता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो इनका कोई काम नहीं रहा, बिकॉज सेपल पेटल स्टैमेन कार्पल इनका काम था बेटा कुछ का, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम था, बर्ड को अट्रैक्ट करने, शॉर्ट में पॉलिनेशन का काम था, कुछ को मेल एंड फीमेल गैमेट बनाने का काम था। अब जब वो सब कुछ हो गया बेटा तो इनकी जरूरत नहीं रहेगी, तो ये फॉल ऑफ हो जाते हैं बेटा, ये गिर जाते हैं, क्लियर है ना। ओवरी जो थी बेटा हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले जिस चीज को हम ओवरी बोल रहे थे, अब वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो, यानी फ्रूट क्या होता है बेटा, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है बेटा। तो अगर आपको याद हो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ये
ये डायग्राम बनाया था, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बेटा, दिस इज ओरी, ठीक है ना। तो ये ओरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस ओरी के अंदर जो ओव्यूल था बेटा, इस ओरी के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे से ओव्यूल्स थे ना, यहाँ पे ऐसे ये ओव्यूल्स लगे थे बेटा। तो ये ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा और एम्ब्रियो के बाहर जो कवर रहेगा बेटा इंटेगमेंट्स का, जो इंटेगमेंट्स दो थे वो इंटेगमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में, तो वो फाइनली सीड बनाएंगे। तो शॉर्ट में भी आप याद रखेंगे, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में बेटा, सीड में। क्लियर ना। यानी सीड क्या है बेटा, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फ्रूट क्या है बेटा, एक फर्टिलाइज्ड ओवरी है। एग जो था बेटा, एग सेल किस में कन्वर्ट हो गया, जो हमने अभी देखा, वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओव्यूल का फ्यूनिकल था बेटा, वो सीड का स्टॉक बन जाता है बेटा। ओव्यूल और फ्यूनिकल क्या बन जाता है, सीड का स्टॉक बन जाता है बेटा। अगर आपने पी पॉड देखा है बेटा, मटर का, मटर के दाने देखे बेटा, ये मटर का दाना ऐसा गोल होता है ऐसे, और नीचे बेटा एक ऐसा डॉट जैसा लगा रहता है, ऐसे स्मॉल डॉट लगा, तो वो क्या बेटा, वो एक्चुअल में बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूनिकल जो था वो अब कन्वर्ट किस में हो गया, सीड स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा माइक्रोपाइल ऑफ सीड में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल अलग है, डिफरेंट है बेटा माइक्रोपाइल ऑफ सीड से, बिकॉज माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल किस लिए बना था बेटा, वो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के लिए बना था। लेकिन माइक्रोपाइल ऑफ सीड जो है बेटा, वो एक तो वाटर को और एक तो ऑक्सीजन को क्या कराएगा बेटा, इनसाइड सीड एंट्री देगा। तो मतलब माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंड माइक्रोपाइल ऑफ सीड is responsible for diffusion of gases plus entry of water into the seed beta. Clear है ना? चले न्यूस, very important and common question exam का, न्यूसिलस जो बेटा ovule के बाहर था, nutritive tissue जो न्यूसिलस ovule के बाहर था, अगर थोड़ा बहुत उसमें बच गया तो वो convert किस में हो जाता है, वो perisperm में convert हो जाता है। यानी perisperm क्या है बेटा, वो न्यूसिलस है बेटा after fertilization. Clear है ना? आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल जो था बेटा, वो बनेगा आउटर सीड कोट, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। मतलब आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट हो गया आउटर सीड कोट में, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। इनर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल जो होता है बेटा, वो कन्वर्ट हो गया इनर सीड कोट में, जिसको हम टेगमिन बोलते हैं। तो मतलब अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे सीड में दो कोट्स क्यों होते हैं, बिकॉज दो कोट्स ओव्यूल में होते हैं बेटा, बाहर वाला कोट एंड अंदर वाला कोट। बाहर वाला कोट कन्वर्ट होगा टेस्टा में, अंदर वाला कोट कन्वर्ट होगा टेगमिन में। तो मतलब शॉर्ट में ओव्यूल का इंटेगमेंट कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। सिनर्जिड्स डिजेनरेट हो गए, हमने पहले ही देखा था बेटा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था बेटा सेंट्रल सेल का, वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड फाइनली एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो जाते हैं बेटा, डिजेनरेट हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या कौन सी चीज क्या होती है, तो ये आप याद रख लेना। तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन में ओवरी बने, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवरी बनेगा सीड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल, सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवरी बनेगा फ्रूट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल बनेगा सीड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एग बनेगा जायगोट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फ्यूनिकल बनेगा स्टॉक ऑफ सीड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में माइक्रोपाइल जो था बेटा वो माइक्रोपाइल ऑफ सीड बनेगा, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है। सीड का माइक्रोपाइल बेटा वाटर को एंट्री देता है, एंड ओव्यूल का माइक्रोपाइल बेटा पोलन ट्यूब को एंट्री देता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में न्यूसिलस बनेगा पेरिस्पर्म, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल बनेगा सीड कोट ऑफ सीड, एंड फाइनली बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज बेटा याद भी रखेंगे। क्लियर है। चले अभी हम आते हैं बेटा एंडोस्पर्म की तरफ। एंडोस्पर्म क्या है, तो पहले हमने सीखी बेटा एक बात थोड़ी देर पहले, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि ये हमारा बेटा मेल गैमेट है, ठीक है ना, और ये हमारे पास बेटा पोलर न्यूक्लियस है। तो ये पोलर न्यूक्लियस एन है और ये पोलर न्यूक्लियस एन है बेटा, और मेल गैमेट भी क्या है हैप्लॉइड, ये भी एन है। क्लियर है ना। अब ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये एक बड़ी सी सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिस सेल को हम सेंट्रल सेल बोलते हैं बेटा। यानी सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियस होते हैं एन एंड एन। अब जब मेल गैमेट अंदर आया बेटा, तो इस मेल गैमेट ने क्या किया, इसने इस एन प्लस एन के साथ फ्यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये एन प्लस ये दो एन हो गए तीन एन, तो ये तीनों फ्यूज हो गए आपस में, और इनके फ्यूजन की वजह से क्या हुआ बेटा, इनके फ्यूजन की वजह से एक डिफरेंट सेल बन गया बेटा, एक नया सेल बन गया। ये एक सेंट्रल सेल था पहले, अब इस सेंट्रल सेल के अंदर बेटा एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया, ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया, और इस सिंगल न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, और पीईएन बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेल को जो ये यहाँ पे बन गई बेटा, इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एंडोस्पर्म सेल नाम देते हैं। अब ये एंडोस्पर्म सेल क्या करेगा बेटा, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा माइटोसिस से, और जब ये बहुत बार डिवाइड करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा बेटा, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, इसकी वजह से बेटा एक मल्टीसेलुलर टिश्यू बनेगा, और इस मल्टीसेलुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है ना। तो देख लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ इधर।
आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था इज फॉर्मड विच अंडरगोज सेवरल माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड न्यूट्रेटिव टिश्यू इन एंजियोस्पर्म्स कॉल्ड एंडोस्पर्मेट। ठीक है, यानी हुआ क्या, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एग्स तो कन्वर्ट हो गया जायगोट में बेटा, अब जायगोट एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो को क्या चाहिए बेटा, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। सो टू प्रोवाइड एम्ब्रियो विद न्यूट्रिशन बेटा क्या हुआ, जो ट्रिप्लॉयड सेल बना था जिसको हमने एंडोस्पर्म सेल बोला था, वो कंटिन्यूअसली माइटोसिस से डिवाइड करेगा, और जब माइटोसिस से डिवाइड करेगा ना, वो पूरी सेंट्रल सेल को क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट करेगा इनटू अ मल्टीसेलुलर न्यूट्रिएटिव टिश्यू, और जिस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोस्पर्म टिश्यू बोलते हैं। समझ गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और ऑलरेडी बेटा 11th में भी पढ़ाया हुआ ये चीज, और शायद मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में भी ये बोला था आपको कहीं पे कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है और एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में भी होता है, दोनों में एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है बेटा वो हैप्लॉयड होता है, याद रखना है, जो जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म होता है बेटा वो हैप्लॉयड होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म होता है बेटा वो ट्रिप्लॉयड होता है। पहला डिफरेंस याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है एंड एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, ये पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज याद रखना है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना, वही उनका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो न्यूट्रिशन का भी काम करेगा लेकिन वही उनका क्या है बेटा, वही उनका फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बेटा एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होता है, वो बेटा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो किसके लिए बना है बेटा, न्यूट्रिशन के लिए बना है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सो नोट, इन जिम्नोस्पर्म स्पेशल न्यूट्रिएटिव टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म इज फॉर्मड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, एंड इज हैप्लॉयड, और ये हैप्लॉयड होता है बेटा इन नेचर, एंड दिस एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स। तो ये प्लीज याद रख लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिएटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म क्या है बेटा, ये एक न्यूट्रिएटिव टिश्यू है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, बिकॉज ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगर आपसे कोई पूछे बेटा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो सैक को कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा था थ्रू एंटीपोडल सेल्स। न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसे प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्मेट। ठीक है ना, चले, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा एम्ब्रियो को एज वेल एज सीडलिंग को। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसा सीड बेटा जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा टू प्रोवाइड, उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में याद रखेंगे कि ये न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को भी प्रोवाइड कर सकता है या कुछ पर्टिकुलर सीड्स को भी प्रोवाइड कर सकता है। इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म कहां से बनता है, ये एक सेल से बनता है जिसका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड था, विच इज फॉर्म, जो कैसे वो सेल ट्रिप्लॉयड सेल कैसे बनी थी, वो बनी थी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से या ट्रिपल फ्यूजन से बनी थी बेटा। ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बेटा एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया था किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल के साथ। ये वही पुराना चीज है बेटा जो हमने ऑलरेडी स्टडी अच्छे से कर दिया है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के अंदर बेटा सेल्स मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा कि नहीं होगा, इसके बेसिस पे बेटा हमारे पास एंडोस्पर्म के तीन मेजर टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे पांच लिखे लेकिन इसमें से मेजर टाइप्स जो है बेटा वो तीन ही है, बाकी हम दो पढ़ेंगे लास्ट बेटा शेप के बेसिस पे, वो हम बाद में देखेंगे। तो मेजरली बेटा ऑन द बेसिस, ध्यान से समझ सुन लेना इसको, ऑन द बेसिस के एक एंडोस्पर्म सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे बेटा हमारे पास एंडोस्पर्म के तीन मेजर टाइप्स है, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोवियल बेटा। ठीक है ना, मतलब मान लो फर्ज में एक एंडोस्पर्म सेल है बेटा, ठीक है ना, उस एंडोस्पर्म सेल के अंदर खाली न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, या दूसरी एंडोस्पर्म सेल है बेटा उसके अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है और जस्ट आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रहा है बेटा, या थर्ड केस में बेटा कुछ सेल्स न्यूक्लियर डिवीजन करेंगी, कुछ सेल्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या खाली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, क्या खाली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, या साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर बोथ हो रहा है बेटा, इसके बेसिस पे हमारे पास एंडोस्पर्म के तीन टाइप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर, सेकंड को हम बोलते हैं सेल्यूलर, एंड थर्ड को हम बोलते हैं बेटा हेलोबियल। और इसके अलावा और दो टाइप्स होते हैं बेटा ऑन द बेस ऑफ शेप एंड कलर बेटा, वो हम बाद में देखेंगे, रूमिनेट एंड मोजेक। लेकिन ऑन द बेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बेटा, या ऑन द बेस ऑफ सेल डिवीजन, एंडोस्पर्म के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है बेटा फ्री न्यूक्लियर,
सेकेंड है बेटा सेल्यूलर एंड थर्ड है बेटा हेलोवियल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है। देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है बेटा ये एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बेटा, या इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बेटा, जिसके अंदर क्या होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था जो अभी हमने बनाया था बेटा उसके अंदर बेटा कंटिन्यूअसली फ्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए बेटा ये एंडोस्पर्म हम देख रहे हैं ऐसे, जस्ट इमेजिन दिस, ये हम एंडोस्पर्म यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये इसका ब्लैक में बना देते हैं, ये इसका बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, मतलब ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है बेटा ये इसका न्यूक्लियस है। अब अगर ये बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, या इसको हम लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये साइटोप्लाज्म जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, इसमें ओनली क्या होंगे बेटा, इसमें ओनली न्यूक्लियर डिविजन होंगे, तो यहाँ पे ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा है, ओनली कौन डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक डिविजन नहीं हो रहा है। तो जब कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस ही डिवाइड करता रहेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस के बाहर बेटा साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रहा है बेटा, जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा दैट मीन्स सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा तो ये सारे न्यूक्लियस जो है ना बेटा ये लिक्विड फॉर्म में किसमें रहेंगे, इनसाइड अ कॉमन साइटोप्लाज्म रहेंगे बेटा, इनसाइड अ कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट में याद रख लेना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक मल्टी न्यूक्लियेटेड एंडोस्पर्म होता है, जहां पे एक सिंगल सेल के अंदर क्या होंगे बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज इनके अंदर खाली कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इनमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ बेटा, इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग से नहीं बना, इनका बेटा बाद बाद में वॉल फॉर्मेशन अलग से नहीं हुआ, only continuously क्या होते रहे बेटा न्यूक्लियर डिविजन्स होते रहे, ऐसे पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में बाद में क्या हो जाता है बेटा, आफ्टर मतलब ये तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था, बाद में बेटा लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस थे ऐसे बना लेता हूं मैं, ये जो सारे न्यूक्लियस थे ना बेटा ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, तो मतलब ये सारे न्यूक्लियस बेटा ऐसे पेरिफेरी पे आएंगे इस तरीके से, ये खुद को पेरिफेरी पे अरेंज करेंगे ऐसे, ठीक है ना, और जैसे पेरिफेरी पे ये अडल्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अडल्ट स्टेज में बेटा ये पेरिफेरी पे अरेंज करेंगे खुद को, फिर बाद में इनमें क्या बनेगा, इनमें ऐसे बेटा बाद में वॉल फॉर्मेशन होगा, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो अर्ली स्टेज में बेटा ये पूरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एंड लेटर स्टेज में थोड़ा बहुत ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसे पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सेकंड है बेटा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसके जस्ट बाद क्या होगा बेटा, वॉल फॉर्मेशन होगा, जैसे मान लो ये दोबारा से सेंट्रल सेल है, ये दोबारा से बेटा न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, मान लीजिए अब इस न्यूक्लियस ने ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया, तो ये दो न्यूक्लियस बन गए इससे बेटा, ठीक है ना, जैसे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में वॉल फॉर्मेशन होगा, तो मतलब यहाँ पे साथ साथ क्या बनती जा रही है, सेल्स बनती जा रही है, तो मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, क्लियर है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉलिड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर को हम लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं, सेल्यूलर को हम सॉलिड एंड, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है बेटा, इसलिए इसको सेल्यूलर और सॉलिड एंडोस्पर्म बोला जाता है। फाइनली बेटा हेलोवियल, हेलोवियल में क्या होता है, आधे हिस्से में फ्री न्यूक्लियर होगा और आधे हिस्से में क्या होगा बेटा, आधे हिस्से में सेल्यूलर एंडोस्पर्म, मतलब आधा पार्ट बेटा फ्री न्यूक्लियर जैसा होगा और आधा पार्ट किसके जैसा होगा बेटा, सेल्यूलर के जैसा होगा, उसको हम हेलोवियल एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्लियर है ना, तो देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो नाम आपको याद रहे, सॉलिड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, याद रख लेना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और लिक्विड एंडोस्पर्म भी इसको बोला जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मतलब जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा बेटा उसके अंदर क्या होता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिविजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स बेटा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्री न्यूक्लियर में डेवलपमेंट, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है माइटोसिस की वजह से, और क्या बना रहा है बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना रहा है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियस में बेटा वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बेटा, ओनली न्यूक्लियस बन रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ये क्या करेगा बेटा, ये सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा, और सारे न्यूक्लियस लूज होंगे तो इस वजह से बेटा वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं।
एंडोस्पर्म रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म टिल मैच्योरिटी. तो एंडोस्पर्म बेटा मैच्योरिटी तक किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड. मैच्योरिटी में बाद में बेटा कुछ में सेल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन मैच्योरिटी तक पूरा एंडोस्पर्म कैसे होगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में होगा. एट मैच्योरिटी द बिग सेंट्रल वेक्यूल डेवलप्स इन द एम्ब्रियो सैक. मैच्योरिटी में बेटा सेंट्रल वेक्यूल डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में. वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस को पुश करेगा बेटा टुवर्ड्स पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. तो वो पेरिफेरी की तरफ बेटा सारे न्यूक्लियस को धक्का देगा, पुश करेगा बेटा. और जैसे ही न्यूक्लियस पेरिफेरी पे पहुंचेगा तो इनमें क्या होगा? इनमें वॉल फॉर्मेशन होगा बेटा. और वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी से शुरू होगा एंड सेंटर की तरफ आएगा बेटा. मतलब सबसे पहली सेल जो बनेगी वो पेरिफेरी की तरफ बनेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा सेल्स अंदर की तरफ बनने लगेंगी. इसको हम सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं. और फाइनली ये सॉलिडिफाई करेगा एंड बिकम सेल्यूलर एट मैच्योरिटी. यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेटा पहले स्टेज में, अर्ली स्टेज में कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा. लेकिन मैच्योरिटी में बेटा वो भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सेल्यूलर में कन्वर्ट हो. लेकिन वो मैच्योरिटी वाली बात है. लेकिन अर्ली फॉर्मेशन कैसा हो रहा है बेटा? फ्री फॉर्मेशन हो रहा है. ओनली सेल डिवाइड कर रहा है थ्रू कैरियोकाइनेसिस बेटा. साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिल रही है और सारे न्यूक्लियस लूज फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में है. तो ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं. और अगर आपने बेटा कभी कोकोनट वाटर पिया हुआ या कभी मेज खाया हो, तो मेज के सीड को अगर आप बेटा थोड़ा प्रेस करोगे वहां से वो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है. या कोकोनट वाटर पिया होगा तो कोकोनट वाटर क्या होता है बेटा? दैट इज फ्री न्यूक्लियर. अगर आपने देखा होगा कोकोनट बाद में बेटा सॉलिडिफाई हो जाता है. अगर आप उसको बेटा पहले नहीं खाएंगे, जब आप बाद में बेटा मार्केट में नारियल खरीद लेते तो वो सॉलिड हो जाता है. व्हाइट कलर जो अंदर से होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. वो सॉलिड क्यों हो गया? बिकॉज अभी वो मैच्योरिटी पे पहुंच गया. लेकिन अगर आपने ग्रीन कोकोनट लाया होगा बेटा मार्केट से, तो वहां से पानी निकलता है अंदर से. और वो पानी क्या होता है बेटा? वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. लेकिन सेम कोकोनट को आप रख लो बेटा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, फिर आपको वाटर नहीं मिलेगा बिकॉज वो सॉलिडिफाई हुआ है बेटा अभी और बन गया है सेल्यूलर. लेकिन अर्ली स्टेज में वो कैसा था? वो लिक्विड फॉर्म में था बेटा, इसलिए उसको फ्री न्यूक्लियर और लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं. ये मल्टी न्यूक्लियेटेड एंडोस्पर्म होता है बेटा, और ये फाउंड इन मेनी एंजियोस्पर्म. अराउंड अबाउट 54-60% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है. एग्जांपल्स कोकोनट मिल्क, कॉटन मिल्क, मेज मिल्क, व्हीट एंड सनफ्लावर के अंदर बेटा क्या देखने को मिलता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये सिंगल सेल है बेटा, ठीक है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिंगल सेल है. ये पूरा सेल जो आप यहाँ पे दिखाई दे, दिस इज सेंट्रल सेल बेटा. ये सेंट्रल सेल है. ये यहाँ पे जायगोट बन गया बेटा, ऑलरेडी जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है. और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो इसने दो न्यूक्लियस बना लिए माइटोसिस से. फिर डिवाइड कर गया तो बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस बने, लेकिन किसी भी न्यूक्लियस में अभी वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. फाइनली क्या हुआ? जब मैच्योर हो गया तो कुछ के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं पेरिफेरी में क्या हो रहा है बेटा? वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया. तो पेरिफेरी से वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा अंदर की तरफ वॉल्स बनने लगेगी. तो फाइनली क्या बनेगा बेटा? ये सेलुलर बनेगा. लेकिन अर्ली स्टेज में कैसा था? अर्ली स्टेज में लिक्विड था एंड फ्री न्यूक्लियर था. क्लियर है ना? चलिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बेटा. सेकंड पे आते, सेकंड है सेल्यूलर. सेल्यूलर में क्या होगा? जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा साथ साथ क्या बनता जाएगा? वॉल भी बनता जाएगा. जैसे आप डायग्राम की तरफ ही पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ आए. तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, ध्यान से देख लो. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, ये डिवाइड कर दिया बेटा. जैसे ही डिवाइड कर दिया तो दो सेल्स बन गई बेटा. ये देख लीजिए, ये ऊपर वाली सेल एक बन गई माइक्रोपाइलर एंड पे एंड दूसरी बन गई बेटा चार्जर एंड पे. फिर से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं हर जगह पे क्या बनता जा रहा है. हर जगह पे जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है बेटा. हर जगह पे वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. ये देख लीजिए, एवरी पार्ट में बेटा वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. एंड फाइनली क्या बन गया? पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया. और इस सॉलिड एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना. तो मतलब फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर में बस एक ही डिफरेंस होता है. फ्री न्यूक्लियर स्टार्टिंग में लिक्विड था, बाद में बेटा वो क्या बन जाएगा? सेल्यूलर बन जाएगा. सेल्यूलर पहले से ही क्या होता है बेटा? सेल्यूलर होता है. फ्री न्यूक्लियर में ओनली न्यूक्लियर डिविजन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिविजन एंड वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है. लेकिन इन केस ऑफ बेटा सेल्यूलर, जैसे ही पहली सेल डिवाइड करेगी साथ साथ बेटा उसमें क्या बनते जाएंगे? उसमें बेटा वॉल्स भी बनते जाएंगे. पहली सेल जब डिवाइड करते वो दो सेल्स को जनरेट करती है. सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर इज माइक्रोपाइलर, सेल टुवर्ड्स लोअर साइड इज चार्जर बेटा, ठीक है ना. चलिए, ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड एंडोस्पर्म. जैसे आपको ऑलरेडी पता है, इन द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन. क्लियर है ना? जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा साथ में वॉल भी बनता जाएगा. द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल साइज्ड चैम्बर्स, द चार्जर एंड द माइक्रोपाइलर चैम्बर. जैसे आपने यहाँ पे देखा, सेल डिवाइड कर गया तो दो सेल्स बन गई बेटा, और इन्होंने बीच में वॉल डेवलप किया और वॉल की वजह से दो इक्वल चैम्बर्स बने. वो चैम्बर जो माइक्रोपाइल की साइड में है उसको माइक्रोपाइलर बोलेंगे, वो चैम्बर जो चार्जर की साइड में उसको चार्जर बोलेंगे.
These subsequent divisions are followed by regular cell wall form. जैसे जैसे division होता जाएगा साथ साथ cell wall भी बनता जाएगा. It is cellular from the beginning. मतलब cellular endosome बेटा शुरुआत से ही क्या होता है, cellular होता है. ये liquid की तरह नहीं है बेटा, पहले liquid होगा फिर बाद में cellular बनेगा, नहीं. ये starting से ही cellular होता है बेटा, तो ये important है. This type of endosome is common in gametopetali, जैसे petunia and datura. और इसके अलावा बेटा ये examples भी याद रखने हैं. Saprophytic plants का endosome बेटा cellular होता है, parasitic का cellular होता है, adoxa का, datura का and aristolochia का बेटा, इनका भी क्या होता है, इनका भी cellular endosome होता है बेटा, ठीक है ना. चले मेरे को datura के बारे में कुछ important property बता बेटा जो हमने already पढ़ी हुई है. Datura के अंदर कुछ important property जो हमने already discuss करी हुई है बेटा. वेरी गुड, ये पॉलिस्पोरी दिखाता है बेटा. एरिस्टोलोकिया क्या दिखाता है, इट शोज ऑल फाइव अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड बेटा. चलिए तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म. क्लियर है ना. चलिए अब आते हैं बेटा लास्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की तरफ ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, वो है बेटा हेलोबियल. तो हेलोबियल में आप देख सकते बेटा, आपको डायग्राम में ही समझ आ जाएगा. तो हेलोबियल में डिवीजन हुआ बेटा, दो चैम्बर बने, एक बना माइक्रोपाइलर चैम्बर, एक बना चार्जर चैम्बर. मतलब एक बड़ा चैम्बर बना माइक्रोपाइलर, एक छोटा चैम्बर बना बेटा चार्जर. माइक्रोपाइलर एंड में क्या हो रहा है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है फ्री न्यूक्लियस बन रहे हैं. दैट मींस माइक्रोपाइलर एंड कैसा बेटा, ये फ्री न्यूक्लियर है. नीचे क्या हो रहा है बेटा, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. तो दैट मींस इन केस ऑफ हेलोबियल बेटा एंडोस्पर्म, आधा एंडोस्पर्म बेटा फ्री न्यूक्लियर होगा और आधा कैसा होगा बेटा, आधा सेलुलर होगा. ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें आधा पार्ट फ्री न्यूक्लियर है आधा पार्ट सेलुलर है, ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं. इन द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट between cellular and nuclear types. मतलब इसमें दोनों properties आएंगी. The nuclear division of preeminent endosperm nucleus results in formation of two cells. तो उसने दो cells बनाई, एक बनाई micropylar और एक बनाई chalazal बेटा. Generally chalazal cell forms the nuclear endosperm. Chalazal ने बेटा nuclear endosperm बनाया and micropylar cell forms cellular endosperm बेटा. Clear है ना. Examples monocots. Monocots में बेटा family helobase. आप देख सकते हैं बेटा इस family का नाम ही पड़ा है किसके basis पे, हेलोबियल एंडोस्पर्म के बेसिस पे. इस फैमिली को हम हेलोबियेसी बोलते हैं जो एक मोनोपॉड फैमिली होती है. तो ये हो गया बेटा आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म. तो आई होप आपको तीनों एंडोस्पर्म क्लियरली समझ आ गए होंगे बेटा. पहला हमने पढ़ा था फ्री न्यूक्लियर जिसमें ओनली न्यूक्लियर डिविजन होंगे, सेकंड हमने पढ़ा था सेलुलर जिसमें न्यूक्लियर डिविजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, एंड थर्ड हमने पढ़ा था बेटा हेलोबियल जिसमें आधा पार्ट फ्री न्यूक्लियर होगा और आधा पार्ट कैसा होगा बेटा, सेलुलर होगा. क्लियर है ना. अब हम आते हैं बेटा रूमिनेट एंडोस्पर्म की तरफ. रूमिनेट एंडोस्पर्म को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेरियास्वामी, PERISWAMI. पेरियास्वामी साइंटिस्ट था जिसने रूमिनेट एंडोस्पर्म को डिस्कवर किया. रूमिनेट एंडोस्पर्म बेटा हेलोबियल हो सकता है, वो फ्री न्यूक्लियर हो सकता है, वो सेंट्रल हो सकता है, सेलुलर हो सकता है. मतलब इसमें बेटा न्यूक्लियर के डिविजन या साइटोप्लाज्म के डिविजन के बेसिस पे हम इसको नहीं नाम देते हैं. इसका नाम जो हम देते हैं बेटा, वो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द एंडोस्पर्म. तो इन केस ऑफ रूमिनेट एंडोस्पर्म बेटा, जो शेप ऑफ एंडोस्पर्म होता है ना, वो सरफेस जो होता है बेटा, वो इरेगुलर होता है. इरेगुलर मतलब उसमें आपको बेटा एलिवेशन एंड डिप्रेशन मिलेंगी, ठीक है ना. और सेंटर कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है. मतलब अगर आप रूमिनेट एंडोस्पर्म को देखोगे, ये अंदर से कुछ भी हो सकता है बेटा, ये सेलुलर हो सकता है, हेलोबियल हो सकता है, फ्री न्यूक्लियर हो सकता है. लेकिन अगर आप इसकी सर्फेस देखोगे तो इसकी सर्फेस में बेटा आपको ऐसे क्या दिखाई देते हैं, ऐसे एलिवेशन एंड डिप्रेशन दिखाई देते हैं बेटा. इस तरीके से एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इनको हम क्रस्ट एंड ट्रफ्स बोलते हैं बेटा. तो सरफेस बेटा इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब उसमें बेटा एलिवेशन डिप्रेशन है. और सेंटर कैसा होता है बेटा, एकदम सॉलिड होता है. तो ऐसा एंडोस्पर्म जिसकी सरफेस के ऊपर आपको बेटा क्रस्ट एंड ट्रफ्स दिखाई देंगे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन दिखाई देंगी, एंड सेंटर बेटा एकदम सॉलिड होगा, ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं. अगर आपने बीटल नट खाया होगा बेटा, जिसको हम सुपारी भी कॉमनली बोलते हैं, तो सुपारी का जो सीड होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे दिखने में. तो फ्रूट जो होता है बेटा, कुछ ऐसे दिखने में होता है. और फिर सेंटर में आपने देखा होगा बेटा, उसमें ऐसे एलिवेशन डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, या बाहर से भी एलिवेशन डिप्रेशन देखने को मिलती है. तो वो एंडोस्पर्म होता है बेटा. लेकिन बिकॉज ऑफ दीज एलिवेशन डिप्रेशन, उस एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना. ये देख लीजिए बेटा, तो ये आपने देखा होगा भाई, ये शॉप में बहुत बिकता है बेटा, ये सुपारी है बेटा. तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एलिवेशन या डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा. ये व्हाइट कलर के अंदर ऊपर बेटा ऐसे एलिवेशन या डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं. तो ये एलिवेशन डिप्रेशन को बेटा क्रस्ट एंड ट्रफ्स बोलते हैं बेटा. तो बिकॉज ऑफ दीज क्रस्ट एंड ट्रफ्स बेटा, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं. सो मैच्योर एंडोस्पर्म सरफेस विथ इरेगुलरिटी एंड अनइवननेस. सरफेस बेटा इरेगुलर एंड अनइवन होता है.
तो ऐसा एंडोस्पर्म जिसका सर्विस इरेगुलर एंड अनइवन हो बेटा उसको हम रुमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। सरफेस हैज क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑन इट्स बॉर्डर बट इनर एंडोस्पर्म इज सॉलिड बेटा, तो अंदर से सॉलिड सॉलिड एंडोस्पर्म होता है लेकिन सर्फेस में बेटा एलिवेशन एंड डिप्रेशन पाए जाते हैं। रुमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ सीड कोट और बाय द एंडोस्पर्म इटसेल्फ। ये जो एलिवेशन एंड डिप्रेशन या रुमिनेशन आ रही है, रुमिनेशन मतलब एलिवेशन एंड डिप्रेशन बेटा, ये किस वजह से आती है, सीड कोट की वजह से आती है या एंडोस्पर्म की वजह से आती है बेटा, इसको सबसे पहले देखा था बेटा पेरियासोमी ने। ये अबाउट 32 फैमिलीज ऑफ एंडोस्पर्म में पाया जाता है, जैसे बीटल नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, फैमिली पाल्मेई में पाया जाता है, फैमिली रुबिएसी में पाया जाता है, फैमिली रूटेसी में पाया जाता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रुमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं। सेकेंड है बेटा मोजेक एंडोस्पर्म, तो याद अच्छा ये रुमिनेट में याद रखना है, ये अंदर से बेटा कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर सेलुलर या कुछ और हो सकता है, लेकिन शेप के बेसिस पे बेटा हमने इसको रुमिनेट नाम दिया। सेकेंड है बेटा मोजेक एंडोस्पर्म, तो मोजेक एंडोस्पर्म एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है बेटा जिसमें एंडोस्पर्म के डिफरेंट कलर्स हो बेटा, मतलब आधा एंडोस्पर्म किसी कलर का है, आधा एंडोस्पर्म किसी कलर का है, और प्लस या तो एंडोस्पर्म में प्लाइडी लेवल क्या होगा बेटा अलग अलग होगा, मतलब ऐसा एंडोस्पर्म बेटा मान लीजिए फॉर ये एक एंडोस्पर्म है, इसका आधा कलर जो बेटा फॉर येलो कलर्ड एंडोस्पर्म है और आधा रेड कलर एंडोस्पर्म है, तो इसमें दो डिफरेंट कलर्स हो गए बेटा, तो बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंट कलर्स को मोजेक एंडोस्पर्म बोलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है बेटा कहीं पे एंडोस्पर्म ऐसा है दोनों पार्ट्स येलो है बेटा, ये भी येलो है और ये भी येलो है, ठीक है ना, लेकिन एक पार्ट बेटा हैप्लॉयड है और एक पार्ट बेटा डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पे प्लॉयडी लेवल में डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी हम मोजेक एंडोस्पर्म ही बोलते हैं, क्लियर है ना। तो मोजेक एंडोस्पर्म मतलब ऑन द बेस ऑफ कलर और ऑन द बेस ऑफ प्लॉयडी लेवल बेटा। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा मोजेक इन सम केसेस द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजीनियस, टिश्यू बेटा एक समान नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता है, बट देयर आर पैच ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के पैच मिलते हैं, सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज मोजेक एंडोस्पर्म एंड वॉज ऑब्जर्व्ड बाय वेबर इन जिया मेज। तो सबसे पहले इसको मेज के अंदर देखा गया बेटा, इन मेज एंडोस्पर्म रेड एंड व्हाइट पैच अपीयर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन पेट्यूनिया एंड टोमेटो बेटा एंडोस्पर्म शोज टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सम कंसिस्टिंग ऑफ डिप्लॉयड सेल्स एंड अदर ऑफ ट्रिप्लॉयड सेल्स, दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म मोजेक। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है कि मोजेक एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है। मोजेक एंडोस्पर्म बेटा एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है जहां पे या तो कलर का डिफरेंस है या तो प्लॉयडी लेवल का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस हो या प्लॉयडी, प्लॉयडी मतलब हैप्लॉयड डिप्लॉयड का डिफरेंस हो, तो ऐसे पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, मोजेक एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इसको सबसे पहले कहां पे देखा गया बेटा, इसको जिया मेज के अंदर देखा गया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। चले अब आते हैं बेटा एग्जाम के और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कॉमनली पूछा जाता है, जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट, ठीक है ना। जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट का मानना क्या है बेटा, इनका मानना ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये ओव्यूल है, पॉजिटिव ये ओव्यूल है बेटा, ठीक है ना, दिस इज ओव्यूल। जीनिया एंड मेटाजीनिया का मानना, सबसे पहले मैं जीनिया की बात करता हूँ, तो जीनिया इफेक्ट जो होता है बेटा इसका मानना ये है कि पोलन ग्रेन जो होता है बेटा, ठीक है, पोलन जो होता है बेटा, पोलन ग्रेन हमारे एंडोस्पर्म का बेटा अपना एक जीनोटाइप होगा, पोलन ग्रेन जो आएगा बेटा उसका अपना एक जीनोटाइप होगा बेटा। तो जीनिया इफेक्ट का मानना यह है बेटा कि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन का जो जीन होता है, पोलन ग्रेन का जो जीनोटाइप होता है ना, वो एंडोस्पर्म के जीनोटाइप को क्या कर सकता है बेटा, इफेक्ट कर सकता है। तो मतलब जो इफेक्ट होगा पोलन ग्रेन का बेटा ऑन एंडोस्पर्म, बिकॉज पोलन ग्रेन का अपना जीनोटाइप है, एंडोस्पर्म का बेटा अपना जीनोटाइप होगा, तो जो इफेक्ट होगा बेटा पोलन ग्रेन का ऑन द एंडोस्पर्म ऑफ ए प्लांट, दैट इफेक्ट इज नोन एज जीनिया इफेक्ट बेटा, ठीक है ना। और जीनिया इफेक्ट को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था फॉकी, और इसने इसको कहां पर डिस्कवर किया था, मेज प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था। तो क्लियरली याद रख लेना बेटा, जीनिया इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय फॉकी इन मेज प्लांट, और अकॉर्डिंग टू फॉकी बेटा द पोलन ग्रेन इफेक्ट, जो पोलन ग्रेन होता है बेटा वो इफेक्ट करता है बेटा कलर को, शेप को एंड अदर फीचर्स ऑफ एंडोस्पर्म को बेटा। तो पोलन ग्रेन जो है बेटा वो एंडोस्पर्म के शेप को डिटरमाइन करता है, एंडोस्पर्म के कलर को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, या बाकी फीचर जो होते हैं बेटा उनको डिटरमाइन करता है। सो दिस इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द शेप ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द कलर ऑफ एंडोस्पर्म, दिस इफेक्ट इज नोन एज जीनिया इफेक्ट। तो याद रख लें जीनिया का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द शेप, ऑन द कलर और अदर फीचर्स ऑफ एंडोस्पर्म, दिस इफेक्ट इज नोन एज जीनिया इफेक्ट। अब अगर हम यही इफेक्ट बेटा सीड के ऊपर देखें, मतलब सेम जीनिया इफेक्ट में अभी बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द सीड शेप, ऑन द सीड कलर बेटा, या फ्रूट शेप या फ्रूट कलर बेटा, या सीड कोट शेप या सीड कोट कलर बेटा,
उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया बोलते हैं। यानी जीनिया को अगर मैं सीड के ऊपर अप्लाई कर दूं ना, तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटाजीनिया बोलते हैं। तो जीनिया एंड मेटाजीनिया सेम है, पर डिफरेंस ये है बेटा कि अगर मैं खाली एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूँ तो जीनिया बोलूंगा, अगर मैं सीड फ्रूट सीड कोट फ्रूट कलर की बात कर रहा हूँ तो तब मेटाजीनिया बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन सोमैटिक टिश्यू फॉर्म्स ऑन सीड कोट फ्रूट लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म इज नोन एज मेटाजीनिया। मेटाजीनिया टर्म वॉज गिवन बाय स्विंगल, और इसने इसको सबसे पहले डिस्कवर कहां पे किया था, डेड पाम में किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखना है बेटा, जब हम पोलन ग्रेन के इफेक्ट को स्टडी करेंगे ऑन द एंडोस्पर्म बेटा, उसको हम बोलते हैं जीनिया। जब हम पोलन ग्रेन के इफेक्ट को स्टडी करेंगे बेटा ऑन द सीड और ऑन द फ्रूट बेटा, उसको मेटाजीनिया बोलते हैं। जीनिया को फॉकी ने डिस्कवर किया था, और मेटाजीनिया को किसने डिस्कवर किया था बेटा, स्विंगल ने किया था इन डेट पाम। जीनिया देखा गया था मेज में, मेटाजीनिया देखा गया था बेटा डेट पाम में बेटा, क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा टुडेज टॉपिक, जहां पे हमने बेटा इंपॉर्टेंट पोर्शंस की बात करी है, ठीक है ना। जहां पे हमने बेटा स्टडी करा है प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फाइनल रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिनगेमी का रिजल्ट क्या है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म का बनना जरूरी क्यों है, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करेगा, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है बेटा। एंड इसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, जहां पे हमने बेटा न्यूक्लियर सेलुलर हेलोबियर रूमिनेट एंड म्योजिक पढ़ा, एंड फाइनली हमने दो इफेक्ट्स की बात करी जिसको हम बेटा जीनिया बोलते हैं इन कंपेरिजन डेट ऑफ एंडोस्पर्म, एंड मेटाजीनिया बोलते हैं बेटा इन कंपेरिजन डेट ऑफ सीड। और एग्जाम के लिए बेटा जीनिया एंड मेटाजीनिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। तो बाकी बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, बिकॉज जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होगी बेटा, यू विल गिव अ गुड रिजल्ट। और इंशाल्लाह हम आपके साथ हमेशा है फॉर एनीथिंग, बट जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू डोंट हैव टू गिव अप, बिकॉज जो गिव अप करता है बेटा वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होता है। तो देयर इज नथिंग कि आप गिव अप करेंगे, तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, गिव योर बेस्ट बेटा, कीप गिविंग योर बेस्ट बेटा, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट एज वेल एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर बेटा। जस्ट यू हैव टू नेवर गिव अप, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और प्लस बेटा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर लीजिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और साथ साथ बेटा पढ़ाई भी करते रहिए। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम बेटा पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजनी या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स बेटा, या शॉर्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। और उसके बाद बेटा हमारा ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद बेटा हमको डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ हम बेटा फिर लास्ट पे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डोरमेंसी को देखेंगे। और उसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर जो है, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की भी बात कराऊंगा मैं, फिर उसके साथ बेटा मतलब दो लेक्चर और लगेंगे, और उसके बाद बेटा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बेटा नया चैप्टर जूलॉजी में शुरू करने वाले हैं, वो होगा देखेंगे बेटा, शायद या तो माइक्रोब्स में शुरू करूंगा या तो डिजीज का पार्ट शुरू करूंगा। तो इंशाल्लाह फिर हम उस टॉपिक के साथ बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। तो टिल देन बेटा खुदा हाफिज, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप गिविंग योर बेस्ट बेटा, स्टडी हार्ड नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल, नो मैटर इफ इट टेक्स टाइम, नो मैटर इफ यू हैड अप ऑल नाइट, जस्ट रिमेंबर दैट द फीलिंग ऑफ सक्सेस इज द बेस्ट थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड बेटा। तो ये याद रख लीजिए, और इसके साथ मेहनत भी करते रहिए बेटा, ठीक है। चलिए खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा।